आप सभी दोस्तों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों, ये पौष परमा एकादशी विशेष है। जो एकादशी अधिक माह के कृष्ण पक्ष में आती है उसे परमा एकादशी कहा जाता है। परमा एकादशी उपवास करने से कोई चंद्रमास तय नहीं है। परमा एकादशी को अधिक मास एकादशी भी कहा जाता है। हिंदू पंचांग के अनुसार अधिक मास की दूसरी एकादशी अर्थात परमा एकादशी का व्रत 12 अगस्त शनिवार को रखा जाएगा। परमा एकादशी का व्रत 5 दिन तक करने का विधान है। आइए जानते हैं परमा एकादशी पर किन चीज़ों का भोग लगाएं भगवान को और क्या चीज़ें अर्पित करें और किन मंत्रों का जाप करें जिससे भगवान की कृपा बनी रहेगी। क्योंकि पौराणिक मान्यताओं के अनुसार ये एकादशी दुर्लभ सिद्धियों की दाता है। ले जाते हैं कि भगवान विष्णु को इस दिन कौन सी चीज़ें अर्पित करें। परमा एकादशी के दिन भगवान विष्णु की प्रतिमा या तस्वीर पर पीले रंग के वस्त्र चढ़ाएं। उनका आसन भी पीले रंग का होना चाहिए। साथ ही उन्हें हल्दी, पीला चंदन, अक्षत, पीले फूल, इत्र, धूप, दीप चढ़ाएं। इस दिन भगवान विष्णु को तुलसी दल अर्पित करना बहुत ही शुभ माना जाता है। भोग में भगवान को पीले रंग की मिठाई चढ़ानी चाहिए। भगवान विष्णु को परमा एकादशी पर बेसन के पीले लड्डुओं का भोग लगाना बहुत ही शुभ होता है। तो परमा एकादशी के दिन भगवान विष्णु को ये वस्तुएं जरूर अर्पित करें। और अब जानते हैं भगवान विष्णु के इन चमत्कारी मंत्रों के बारे में जिनका जप करने से सभी समस्याएं दूर होंगी। पहला मंत्र है, किसी भी प्रकार की बाधा आ रही है तो इस मंत्र का जरूर जाप करें। मंत्र है, ओम श्री सर्व दर्शनाय नमः। कार्यों में बाधा आ रही है, लक्ष्य प्राप्ति की राह में अड़चने हैं तो अधिक मास की परमा एकादशी पर मंत्रों का जाप करने से बिगड़े काम बन जाते हैं। और यदि विवाह में दिक्कतें हैं तो इस मंत्र का जाप करें। मंत्र है, ओम गुं गुर्वे नमः। जिन लोगों के विवाह में दिक्कतें आ रही हैं वो परमा एकादशी के दिन श्री हरि को हल्दी की गांठ चढ़ाते हुए इस मंत्र का जाप करें। शीघ्र ही घर में सहनाइयाँ बजेंगी, शादी विवाह से संबंधित सभी समस्याएं खत्म हो जाएंगी। यदि धन से संबंधित परेशानियां हैं या कोई समस्या है तो फिर भगवान के इस मंत्र का जाप करें। मंत्र है, ओम श्री नारायण नमः। इस मंत्र का जाप करने से धन संबंधी हर समस्या का समाधान होता है। परमा एकादशी की सुबह तुलसी की जड़ में कच्चा दूध चढ़ाएं और शाम के वक्त घी का दीपक जलाएं और इस मंत्र का उच्चारण करें। इससे सभी प्रकार की आर्थिक समस्याओं का निवारण हो जाएगा, धन की हर समस्या दूर हो जाएगी। और ये मंत्र आपको हर तरह की परेशानी से मुक्ति दिलाएगा। मंत्र है, ओम श्री शोक दास नाय नमः। किसी मानसिक परेशानी से गुजर रहे हैं, परिवार के साथ मन मुटाव चल रहा है तो परमा एकादशी के दिन इस मंत्रों का एक माला जाप करें। इससे हर समस्या का समाधान निकलता है। सभी प्रकार की आर्थिक, शारीरिक, मानसिक समस्याएं दूर होती हैं। तो दोस्तों, ये थी परमा एकादशी की विशेष पोस्ट। और आपसे अब इस पोस्ट से हम आज्ञा चाहते हैं। आपसे शीघ्र मुलाकात होगी नई पोस्ट के साथ। तब तक के लिए आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार।